वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक सीख लेकर आया हूं क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है अदनान 07 और अब्दुल की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अदनान और अब्दुल की तरफ से जो है न्यू रैप सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है मजाक। तो लगता है उसकी शूटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल ने जो है कुछ स्टोरीज अपलोड किया है, आप लोग वो देख लो। मजाक का शूट चालू है, अभी बज रहा है 5 और हम लोग अभी तक रात भर सोए नहीं है। रोहन भाई, रोहन एक्स, क्या बोलते भाई, शूट चालू है, ये अभी लास्ट का सीन बचा है, जल्द मजाक आने वाला है शॉर्ट। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही आशीष चंचलानी की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि भाई आशीष को जो है ITA की तरफ से अवार्ड मिला था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इस ITA अवार्ड्स का जो है शो आने वाला है सोनी टीवी पे, जिसको लेके आशीष ने स्टोरी डालते हुए कहा, वॉच मी ऑन द ITA अवार्ड्स 21 मार्च रात 9:30 बजे ऑन सोनी टीवी। तो भाई 21 मार्च को 9:30 बजे सोनी टीवी पे ITA अवार्ड्स का शो आने वाला है, जहां पर आप लोग को आशीष चंचलानी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग को वो शो देखना हो आप लोग देख सकते हैं। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही हार्दिक शर्मा और मैक्सटर्न की तरफ से। जो लोग हार्दिक शर्मा को नहीं जानते, बता दूं कि हार्दिक शर्मा जो है एक एक्स टिकटॉक स्टार है। जी हां, पहले वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद वो इंस्टाग्राम रील्स पे बना रहे हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि उन्होंने जो है एक रील वीडियो अपलोड किए थे, सबसे पहले आप लोग वो देख लो। How did I go from this? तो भाई होता कुछ ऐसा कि हार्दिक शर्मा की इस वीडियो पे जो है मैक्सटर्न उन्होंने कमेंट किया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जहां पर मैक्सटर्न ने कहा बिफोर एंड आफ्टर पाउडर। तो उसी पर हार्दिक शर्मा उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा एंड यू फ्रॉम अगली एस टू मोर आथू अगली। और भाई हार्दिक शर्मा के इस रिप्लाई के बाद लोग जो है हार्दिक शर्मा को ट्रोल कर रहे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वैसे मैक्सटर्न को लेकर बात निकली गई है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहां पर होता कुछ ऐसा है कि ट्विटर पे जो है किसी ने मैक्सटर्न को ट्वीट किया और कहा, ब्रो थोड़ा ग्रो अप कर ले, एक गेम पूरी जिंदगी नहीं खेलेगा, समझा, थोड़े व्यूज के लिए पबजी को लाने की बात कर रहा है, शेम ऑन यू, कोई दूसरी गेम खेल ले, एक गेम के लिए रोना बंद कर। उस पर मैक्सटर्न उन्होंने कहा, अगर गवर्नमेंट बैन करती है यूट्यूब को तब भी यही कहना, ग्रो अप, एक ऐप कब तक चलाओगे, रॉन्ग इज रॉन्ग। एंड फिर किसी ने कहा, अबे निकल डैश में डाल ले पबजी को, इन यूट्यूबर्स का वही काम है जो पार्टी करती है, फेक प्रॉमिसेस, आ गया पबजी मोबाइल कमिंग सून और आ गया स्वाद क्वेश्चन मार्क, सब गवर्नमेंट प्लस ये जैसे यूट्यूबर्स बस डैश बनाते हैं। उस पर मैक्सटर्न उन्होंने कहा, एटलीस्ट मॉडल की तरह फौजी की झूठी तारीफ तो नहीं करता ना, गोल्डी की तरह फालतू के पॉजिटिव थॉट्स तो नहीं देता ना, और ना ही खुद को अच्छा दिखाता हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, दैट वॉज नॉट फेक प्रोमिसेस, बस थोड़ी गलती हो गई थी, विच आई एक्सेप्ट। तो भाई इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही फैसु 07 फैज बलोच और सोहेल खान की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया कि भाई फैसु, फैज बलोच और सोहेल खान जो है वो कोटा राजस्थान जाने वाले हैं, जहां पर जो है राजवाड़ा क्रिकेट लीग की ग्रैंड ओपनिंग है और फर्स्ट मैच भी, उसी के लिए यहां पर फैसु, फैज बलोच और सोहेल खान को जो है बुलाया गया है। तो जी हां गाइस, फैसु, फैज बलोच वहां पर पहुंच चुके हैं, आइए कुछ स्टोरीज देख लेते हैं। व्हाट्स अप एवरीवन, अब गाइज हो सकता है कि रात तक जो है वहाँ के इंटरव्यू वीडियोस आ जाएंगे फैसु, फैज बलोच और सोहेल खान के। तो अगर उसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट क्लिप्स निकलेगी तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि आज जो है मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, वरना फिर सुबह नहीं डाल पाता क्योंकि मुझे जरा फंक्शन में जाना है। तो आज जल्दी डालो, लाइक कर दो। वैसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि फैसु, फैज बलोच वहां पर गए तो गए, लेकिन लगता है वहां पर फैसु का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जी हाँ, जिसकी वजह से उनके पैर पे सूजन आ गई है। उसी की कुछ स्टोरीज और वीडियोस आए हैं, आइए देखते हैं। हे गाइस, कैसा है आपका पैर, जल्दी ठीक हो जाओ। गाइस फैसल का पैर थोड़ा सूज गया है, आप देख सकते हो। गाइज अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही लक्ष्य चौधरी और अनुपम राजपूत की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया कि भाई लक्ष्य ने जो है अनुपम राजपूत को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा वो वीडियो, जहां पर लक्ष्य ने कहा कि अनुपम राजपूत जो है वो रोस्टिंग के नाम पे लड़कियों को गाली देता है, रेप थ्रेट्स देता है और गंदी गंदी हरकतें करता है, जिसके बाद जो है काफी आवाजें उठना शुरू हुई अनुपम राजपूत के खिलाफ, यहां तक कि जो है एक्शन लेना भी शुरू किया गया, एक नोटिस भी भेजा गया था अनुपम राजपूत को और पुलिस को भी, ताकि वो अनुपम राजपूत पे लीगल एक्शन ले पाए। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
अब अपडेट ये है कि यहाँ पर अनुपम राजपूत ने कल के दिन ये वाली स्टोरी अपलोड किया और कहा वीडियो कल आएगी, जो भी गर्ल्स ऑफेंड हुए हैं मेरी वीडियो से उसके लिए माफी, बट कल की वीडियो एक बार जरूर देखना। एंड हाँ, दोनों वीडियो टेक डाउन कर दिए मैंने चैनल से, पहला सोफिया अंसारी रोस्ट का और दूसरा इंस्टाग्राम रील्स निब्बी रोस्ट। अगर आपको गाली वाली मीम्स प्लेट नहीं चाहिए तो आगे से कोई गाली नहीं आएगी मेरी वीडियो में। फिर कहा किसी ने भी अभी तक मेरे पॉइंट की बात नहीं की, मैंने तो वीडियो टेक डाउन कर लिया बट मेरे जैसे हजारों रोस्ट पड़े हैं यूट्यूब पे, थंबनेल मेरे से भी ज्यादा गंदे हैं, उन्हें कोई नहीं देखेगा। एंड फिर कुछ और स्टोरीज अपलोड किया है, मैं आप लोगों को सब तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसा कि ये वाला मेरा पॉइंट जहाँ पर उसने जो है एक वीडियो शेयर किया है लड़की का, अब मैं प्ले तो नहीं कर सकता लेकिन उस पे कहा इस दिशा कंटेंट, और ये सिर्फ एक वीडियो में नहीं करते, ये लोग सारे वीडियो में यही दिखाना है चाहे कौन सा भी सॉन्ग हो। तो भाई अभी जिस समय मैं शूटिंग कर रहा हूँ अभी तक अनुपम का वीडियो नहीं आया है, अगर आता है और कुछ अपडेट रहती है तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर लक्ष्य चौधरी, उन्होंने भी जो है कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं, आइए देखते हैं। लक्ष्य ने कहा मुझे कुछ चीजें क्लियर करने दो, मैं नहीं चाहता उस बंदे का चैनल डिलीट हो, लेकिन उसको लेसन मिल जाए और उस जैसे बाकियों को लेसन मिल जाए, दैट्स इनफ। मेरा वीडियो बनाने का रीजन यही था कि रोस्टिंग के नाम पर पूरी वीडियो में क्लियर बिलो द बेल्ट अब्यूज, ये अच्छा नहीं है, सब ऐसी करेंगे तो यूट्यूब एक और पॉलिसी बना देगा जो सबको झेलनी पड़ेगी। मैंने मेंशन किया हूँ वीडियो में गाली देना एक पार्ट है रोस्टिंग का और कॉमेडी का, लेकिन हेटफुल इंटेंट से किसी को बैक टू बैक मल्टीपल वीडियोस में बुली करना, उनकी फैमिली के बारे में गलत बोलना, ये रोस्टिंग नहीं है। किसी का जोक बनाना हर बार फनी नहीं होता। फिर अगली स्टोरी में कहा तुम लड़की हो या लड़का, किसी का भी जोक बनाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम वो सारे बेकार वर्ड्स पे पंच करोगे तो कभी कभी बहुत फनी होता है, बट एक वे होता है, सारे ही कॉन्टेंट में यही जोक्स मारोगे तो भाई उससे तुम्हारी मेंटेलिटी ही दिखाई देगी। अगेन कॉमेडी सब्जेक्टिव है और मैं या कोई भी इसका लाइसेंस नहीं देता, एटलीस्ट थोड़ा क्रिएटिव बनो। सीधा किसी को बंदी का बच्चा बोलना कोई कॉमेडी और रोस्टिंग नहीं है। मैंने भी जोक्स बनाए हैं बॉडी लुक्स पे, लेकिन जब मुझे लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो मैं उस कंटेंट वीडियो पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ। हम सबसे गलती होती है, पर भाई उसे एक्सेप्ट करने की जगह बिना वजह डिफेंड करोगे तो डैश। तो भाई अनुपम राजपूत को लेके आप लोग क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है समीर मार्क की तरफ से। तो यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि समीर मार्क ने जो है फार्मर्स को लेके ये वाली स्टोरी अपलोड की है, जहाँ पर उन्होंने कहा ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते क्या हो रहा है और क्या होगा, बस अल्लाह से दुआ करते रहो एंड फार्मर्स को सपोर्ट करो, पैसा फेम सब है लेकिन फूड नहीं है, फिर क्या करोगे, प्लीज ओपन योर आईज। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कैरीमिनाटी की तरफ से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई काफी टाइम हो गया है लेकिन कैरीमिनाटी की तरफ से अभी तक मर्च नहीं आया, तो उसी को लेके यहाँ पर कैरीमिनाटी के लेटेस्ट लाइव में किसी ने क्वेश्चन किया, जिस पर कैरीमिनाटी ने कुछ ये कहा। आई नो आई ऑलवेज टॉक अबाउट मर्च बट आई जस्ट वॉन्ट दैट शिट आउट इन द मार्केट एंड नन फ्रॉम योर टीम एवर रिस्पॉन्डेड टू माई मेल्स, प्लीज लिसन टू मी वंस, आई गेट दैट गोकुल, आई गेट इट, ट्रस्ट मी, उसके अलग ही सीन चल रहे हैं बहुत। सॉरी टू से बट इजंट इट वियर्ड दैट एशियाज biggest youtuber finding trouble for putting out his merch, no offense, talk to you later, wallet is ripped. कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, I know my struggles. देखो पहली बात मर्च में अगर पहली बात तो मुझे नॉलेज नहीं है फैशन की, मैं ये नहीं चाहता भाई कि मैं कोई ऐसी कोई खराब चीज दे दूं, नहीं खराब भी चीज दे दूं, मैं कह रहा हूँ ऐसी चीज दे दूं मैं जिसको अगले हफ्ते तुम फिर पोछा बना के इस्तेमाल कर रहे हो या फिर जिसे तुम पहन नहीं रहे हो, बस रखा है तुम्हारे पास, वो नहीं चाहिए मुझे सीन, मुझे चाहिए अगर मैं वो चीज दे रहा हूँ तुम्हें तो तुम पहनो, रियल लाइफ डेली यूज में पहनो, ट्यूशन जा रहे हो तो पहनो, कॉलेज जा रहे हो तो पहनो। देखो मैं बता अभी वो स्थिति नहीं है मेरी, अभी वो सेटिंग नहीं है कि मैं वो चीज अगर करूंगा तो मेरे को पता है उसका पोछा बनना है, तुम मना कर रहे हो ना ना ना, मैं जानता हूं बनेगा, मैं जानता हूं बनेगा, तो वो चीज मुझे नहीं बनानी है कि तो मैं जब बनाऊंगा तो मैं सिर्फ ऐसे मर्च नहीं बनाऊंगा, मैं क्लोथिंग लाइन बनाऊंगा, बट मुझे अभी फैशन की नॉलेज नहीं है और भरोसा मैं नहीं करता किसी पे भी, पड़ी रहे सिर्फ इस्तेमाल ना हो वो नहीं चाहिए मुझे, इट शुड बी वन ऑफ योर कंफर्टेबल टी शर्ट शर्ट वॉट एवर। तुम अभी स्टार्टिंग में एक्साइटेड होगे ले लोगे फिर कुछ नहीं होना, दो दिन में बोर हो जाओगे, उसका क्या फायदा है। गाइस अगली जो न्यूज़ आ रही है वारी बिग बॉस 14 विनर रूबीना और पारस की तरफ से। तो यहाँ पर होता कुछ ऐसा कि इंडिया फोरम्स की तरफ से ये वाली फोटो अपलोड की गई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर कैप्शन में लिखा है समथिंग स्पेशल इज कमिंग अप विथ बिग बॉस 14 विनर रूबीना एंड पारस रियल सून। तो भाई लगता है इन दोनों की तरफ से जो है सॉन्ग आने वाला है, जी हाँ। तो ये न्यूज सुन के आप लोग कितना एक्साइटेड हो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। गाइस अगली जो न्यूज आ रही है वारी यशराज की तरफ से। जैसे कि आप लोग को पता है कि भाई यशराज ने जो है
औरी होरी पे वीडियो बनाए थे जो कि काफी वायरल हुआ था, और भाई उस वीडियो पे हो चुके हैं 50 मिलियन व्यूज। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यशराज की स्टोरी, जहां पर उन्होंने कहा 50 मिलियन व्यूज ऑन वन वीडियो इन 3 वीक्स। तो भाई 3 हफ्ते में जो है 50 मिलियन व्यूज हो गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं अचीवमेंट की, तो अवनीत कौर के हो गए 17 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, रोहित को मिल गया है गोल्डन प्ले बटन, रितु तनेजा के हो गए 1 मिलियन फॉलोअर्स। सो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ये रही आईडी, मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। स्लैप। अबे साले, आज नहीं है, नहीं सही में नहीं है, मैं बहुत स्पीड में वीडियो बनाया हूँ, मुझे निकलना है, मतलब के रेडी होना है। देख रहे नहीं हो क्या? सारा फंक्शन है, और मुझे मालूम था मैं कल सुबह वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, इसीलिए आज अभी ये टाइम बना लिया। लेकिन अगली वीडियो में पक्का कॉमेडी होगी, और इतना एंड तक देख ही लियो तो लाइक करके जाना, और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।